It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू यल अन अकेडमी गेट सी सी एच सो वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को और होली का फेस्टिवल खत्म हो चुका है आई होप उन्होंने होली में खूब इन्जॉय किया होगा बढ़िया से और आप जल्दी से पढ़ाई की ओर लौट चलो ठीक है तो आज हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिक्स पढ़ रहे थे ब्रिक्स में कल शुरू किया था आज हम लोग ब्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे और सभी को गुड आफ्टरनून जय श्री राम जितने बच्चे जुड़ गए हैं देवेंद्र हैं रितेश हैं जितेंद्र हैं और अनवर जी हैं खुशबू मयूर रेशू चंगू जी निकिता कमलेश दुर्गेश ओके नमस्कार सभी को यार जल्दी से फटाफट -पड़ सेशन को लाइक शेयर कर दो फटाफट -पड़ सेशन को सब लोग लाइक शेयर करेंगे और हम लोग अपनी क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे जल्दी से ठीक है तो ब्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग ब्रिक्स पढ़ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से और सब लोग सर को जानते ही हैं ठीक है शुरू करते हैं ब्रिक्स हम लोग आगे लेके जाएंगे कल उन्होंने इंट्रोडक्शन देखा था और तुमको बताया था ब्रिक्स जो है काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है आज से नहीं बहुत ही पुरानी सभ्यताएं भी इसको इस्तेमाल कर रही थी और अब तो मॉडर्न ब्रिक आ गया है हम लोग का तो उसको भी हम लोग देखेंगे साइज वगैरह सब समझ चुके थे डेंसिटी वगैरह में देखी थी शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो भी मैंने दोस्तों उनको मैं जल्दी से अपने बता देता हूँ ये सब सर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है मेरा नाम जो तो लोग जानते हो चेन सक्सेना है और बेस्ट गेट रैंक्स और यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है ठीक है फिलहाल अभी सर तुम लोग को बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा रहे हैं और कॉन्क्रीट बना रहे हैं कॉन्क्रीट सुबह सात बजे चलता है और बीएमसी हमारा पौने दो बजे चलता है ठीक है सर का कोर्स को पता है सीएसए जिसको यूज करके तुम लोग बहुत सारे लाइव टेस्ट फ्री क्लासेस फ्री लाइव क्लासेज और कॉम्बैट सेशन में हिस्सा ले सकते हो ठीक है कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करोगे तो ऑब्वियसली तुमको सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा स्कॉलरशिप है यहाँ पे इंडिया में ठीक है इंडिया जितना ऑल ओवर इंडिया मतलब तो पैन इंडिया तुम कह सकते हो स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चे देते हैं और जिनका रैंक अच्छा आता है उनको प्लस और आइकॉनिक में डिस्काउंट दिस, मिल जाता है ठीक है तो जरूर से पार्टिसिपेट करो अब हमारा कॉम्बैट अगले संडे होने वाला है ठीक है जो भी अपकमिंग संडे है ऑल्टरनेट संडेज में होता है तो प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन तुम ले सकते हो फीस तुम देख सकते हो एक ये हमारा प्लस का स्ट्रक्चर है फीस स्ट्रक्चर एक साल का डेढ़ साल का दो साल का ट्वेंटी सेवन थर्टी फोर थर्टी नाइन रिस्पेक्टिवली और अगर आइकॉनिक की तुम बात करो तो ये आइकॉनिक में एक साल और दो साल का आता है 45 और 66 का ठीक है तो ये बातें तुमको पता नहीं चाहिए बाकी सबको पता है सर को सब लोग फॉलो कर लेंगे अन अकेडमी की स्पेशल क्लास पे वो अन अकेडमी के ऐप पे यहाँ पे जरा देखो क्लासेस हम लोग की चलेंगी फाइव पी एम पे ठीक है फाइव पी एम लोग आर सी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज नहीं ये क्लास कल होगी ठीक है फाइव पी एम पे आर सी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है आज नहीं कल होगी

जिनको भी कोई चीज ढूंढने में बहुत दिक्कत हुआ करे पीडीएफ या कुछ भी क्वेरी सर से डायरेक्टली पूछने तो तुम लोग सर को फॉलो कर सकते हो सर के टेलीग्राम चैनल पे चेतन सर सी ठीक है और यहाँ फॉलो करके फिर तुमको कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से तुम सारी क्वेरीज अपनी पूछ सकते हो जो भी है ठीक है तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास तो पढ़ रहे थे हम लोग कल बिल्ट ए, क्या नाम है ब्रिक्स है ना ब्रिक्स चल रहा था ब्रिक्स हमने शुरू किया था टिम्बर हमने अच्छे से खत्म कर लिया था ठीक है और कोई भी और टॉपिक्स अगर रह जाते हैं तुमको पढ़ने का मन हो तो लोग जरूर बता सकते हो ठीक है हिमांशु पूछ रहे हैं डायनेमिक्स कैसे करें बता देंगे बेटा डायनेमिक्स पढ़ा देंगे है ना सर आप अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे क्यों एक्सेप्ट नहीं करें इंस्टाग्राम बेटा चलाते ही नहीं है सर यार कहाँ इंस्टाग्राम चला पाते हैं सर बस टेलीग्राम चलाते हैं व्हाट्सएप चलाते हैं दो ही चल पाते हैं सर से बाकी दिन भर टाइम नहीं मिलता है फिर ठीक है चलो इंस्टाग्राम खोल के बेटा आज एक्सेप्ट कर लेंगे तुम खुश हो जाना ठीक है चलो तो अब हम बता रहे हैं क्या ये हाँ इंट्रोडक्शन सर्कल हो गया था हमारा

ब्रिक का सर नॉर्मल साइज हमारा था वो कितना था तो नाइन नाइन देखो यहाँ पे हमने बोर्ड में लिखा हुआ है ये ब्रिक थी तुम्हारे देख सकते हो नाइन नाइन की बढ़िया से एकदम ठीक है और इसमें जो फ्रॉग था सर फ्रॉग यहाँ पे बनाया गया था एक इंडेंट कह सकते हो एक निशान था यहाँ पे एक ठीक है में, में है है जिसका साइज रहता रहता लेंथ में में और जो गहराई रहती है वो एक से दो सेंटीमीटर की रहती है लगभग लगभग ठीक है और इसका मेन काम क्या था इसमें मैनुफेक्चर का नेम रहता है और दूसरा इसका मेन काम जो था वो था ये शेयर की तरह काम करता है बिटवीन टू ब्रिक्स है ना और लेटल स्ट्रेंथ एक तरह से बढ़ जाती है ठीक है लेटल स्ट्रेंथ एक तरह से बढ़ जाती है फ्रॉप का काम यहाँ पे ये यह था लिखा नहीं था लिख भी देते हैं बल्कि चलो यहाँ लिख भी देते हैं ठीक है ताकि तुमको जब नोट मिले तो उसमें सब कुछ मिल जाए ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉग दो काम है सर पहला मैनुफैक्चरर्स नेम हो गया पहला मैनुफैक्चरर्स नेम हो गया जो भी तुमने देखा हो ब्रिक पे क्या लिखा हो देखा बताओ चंपा ब्रिक देखा है तुमने चंपा ब्रिक बहुत ही कमाल का ब्रिक रहता है ये मैनुफैक्चर नेम चंपा ब्रिक बहुत ही सर का फेवरेट रिक है वो सर का एकदम फेवरेट रिक है और सर सेकंड काम इसका मेनली ये होता है कि इट एक्स एज इट एज शेयर की बिटवीन टू ब्रिक्स और इससे होता है क्या जब दो ब्रिक्स हमारे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे लेटर लाइफ में तो उसमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है ठीक है थोड़ी नहीं बहुत बिटवीन टू ब्रिक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे लेटरल स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा लेटरल स्ट्रेंथ लेटरल स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है लेटरल स्ट्रेंथ यहाँ पे सर क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है तो ये तुमको पता रहना चाहिए फ्रॉक के बारे में ठीक है बाकी तुमको वेट बताया था तीन साढ़े तीन के होता है डेंसिटी तुमको बताई थी अट्ठारह होती है ठीक है और नॉर्मल साइज मोटर के साथ क्या होता है हमारा

तो उसका साइज इंच में चलता था इंच में रहता था कितना था कोई कमेंट बताएगा अगर किसी को पता है तो किसी ने भी अगर पढ़ रखा हो तो कोई बता सकता है कि साइज ऑफ कन्वेंशन ट्रिकारा एनी वन तो सही बता रहे हो नौ इंच बाय बाय ठीक है ये था अब अगर इसी को तुम सेंटीमीटर कन्वर्ट करो तो नौ इंच तुम्हारा लगभग लग लगभग लग 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 कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री बायर बाय सेवन पॉइंट सिक्स ठीक है ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा ऑब्वियसली इंच में था ठीक है तो ये पुरानी ब्रिक्स का साइज था लेकिन अब जो ईट आती है उसका साइज हमें याद रखना है वो कितना है नाइनटीन बाई नाइन बाई नाइन ठीक है ईट आजकल में काफी महंगी चल रही है आठ से दस रुपए की रेंज में चलती है आजकल ईट है ना काफ़ी महंगी हो गई है चलो कोई नहीं सर और फ्रॉक का साइज हमने लिख दिया है टेन बाई फोर बाय वन सेंटीमीटर ये हम लोग को याद है ठीक है बताओ यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ठीक है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया से क्लासिफिकेशन ब्रिक का ओके okay, तो इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ठीक है बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि ब्रिक के बारे में सर क्या क्या चीजें जो हमको याद करनी वो है वो सब हमको ढंग से आ गए हैं 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 ठीक है चलो बढ़ते आगे क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पहले देखो फील्ड में होता क्या है जब हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं शायद तुम तो लोग को पता हो ब्रिक्स बनते हैं किल के अंदर भट्टे के अंदर बनते हैं ठीक है चिकनी मिट्टी को काफी सारे प्रोसेस थ्रू गुजार के आखिरी भट्टे में जब गर्म करते हैं उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है और वो हार्ड हो जाती है ठीक है तो अब होता क्या है किल के अंदर सिर्फ एक ही तरह की ब्रिक नहीं बनती है कई प्रकार की ब्रिक बन जाती है तो अगर फील्ड में तुम देखो तो फील्ड पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो अच्छी जो होगी उसको हम फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं जो थोड़ी सी बेकार है उसको सेकंड और थोड़ी थो 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 और बेकार है उसको हम थर्ड बोल सकते हैं ठीक है तो वहीं हम ब्रिक साइड पे या जहां पे ब्रिक बनी है वहीं पर उसका क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं तो अच्छी थोड़ी सी बेकार और बेकार और एकदम ही बेकार इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द फील्ड उस बेसिस पे हमने यहाँ पे ब्रिक को बांटा है चार हिस्सों पर ठीक है एक तो हम देख सकते हैं लिखा है फर्स्ट क्लास ब्रिक

स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स होते हैं ठीक है थीके? वो हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होते हैं बच्चा बूझ है सर कितने वाले से लगेंगे बेटा इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं अभी बस चलने दो लेकिन हाँ ये देखो ब्रिक तक ही गए हम लोग तो अब अब जो है ज़्यादा ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है ब्रिक में से बाकी सब अभी दो दो इनके चैप्टर हैं बस इसके बाद ठीक है ब्रिक बस बड़ा बच्चा है बाकी सब छोटे छोटे एक दो दिन है तो मान के चलो दस से दस दिन मान लो बस मैक्सिमम दस या पंद्रह दिन मान लो बहुत ज़्यादा ज्यादा ठीक है चलो तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करते हैं सर हम लोग तो देखिए सर फर्स्ट क्लास ब्रेक की कमाल की बात यह है कि ये जब निकलते हैं तो एकदम बढ़िया इनका शेप होता है इनकी जो रेक्ट एजेस हैं वो एकदम पैलल रहती हैं ठीक है थीके? एकदम पैल एजेस होती हैं सर इस कोने इसमें कॉर्नर दिखाई देते हैं इसका रंग सर काफी गहरा लाल होता है या देखो लिखा हुआ है एक एक पॉइंट जरा अच्छे से पढ़ना ठीक है बहुत ध्यान से पढ़ना तो अच्छा टेबल मोल्डेड और ये ग्राउंड मोल्डेड देखो यार जब मोल्डिंग करते हैं ब्रेक को आकार देते हैं तो उसको ग्राउंड पर रख के दे सकते हैं और टेबल पर रख दे सकते हैं बात है टेबल जो है थोड़ी बेहतर है ठीक है तो टेबल मोल्डेड होंगे तभी तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे होंगे टेबल मोल्डेड ठीक है तभी वो फर्स्ट क्लास में उनको भट्टों में जलाया जाता है क्लाइम नहीं चलाता है क्लाइम सुपीरियर बर्निंग नहीं करता है इनफीरियर बर्निंग करता है उसके नाम हम समझेंगे किल क्या होता है क्लाइम क्या होता है तो जो अच्छी हीट होती है इनको अच्छे से पकाया जाता है जिनको आकार अच्छे से दिया जाता है जिनको शेप अच्छे से दिया जाता है टेबल पर रख के बढ़िया से ना तो जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास इसका कलर सर देखिए इसका कलर सर गहरा लाल होता है चेरी कलर होता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है और इसकी अपीयरेंस एकदम यूनिफॉर्म है टेक्सचर भी यूनिफॉर्म एकदम ठीक है स्मूथ है एकदम रेक्टेंगुलर पैरेलल शार्प एजेस है पूरा रेक्टेंगुलर एकदम शार्प एजेस हैं एजेस है, तुम देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया ठीक है उसके बाद ये जो ईंट है इसको ये इसको अगर हम लोग एक से दो मीटर की हाइट से गिराते हैं टूटना नहीं चाहिए काफी मजबूत होना चाहिए ये इतना एक से दो मीटर हाइट पर अगर टूट जाए तो इसका मतलब ये क्या है काफी ब्रिटल है ठीक है इसकी बर्निंग सही से नहीं हुई या तो ज्यादा बर्न कर दिया गया तो कम बर्न किया गया है फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जब तुम दो ब्रिक को लड़ाते हो तो एक मेटेलिक क्लिंगिंग साउंड आनी चाहिए कैसी आनी चाहिए ऐसे क्लिंग करके एक साउंड आती है इसलिए यहां पे लिखा है एंड साउंड कम्स स्ट्रक विद और आनी ही चाहिए अगर डल साउंड आ रही है मतलब तुम तो उसको लड़ा रहे हो और उसमें डल साउंड आ रही है ठीक है तो तुम कह सकते हो अच्छे से पकी नहीं है और उसमें क्लिंग साउंड नहीं आ रही है है ना डल साउंड नहीं आनी चाहिए तो इट वो साउंड क्लिंग आनी चाहिए क्लिंग करके आनी चाहिए ठीक है तुम समझ सकते हो कि शायद तुमने देखा भी हो आगे देखते चलो ठीक है और वॉट ऑप्शन देखो तो ये जो ईट हमारी अच्छी ईंट है सर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया फिनिश यहाँ पे निकल के आ रहा है कितना बढ़िया फिनिश निकल के आ रहा है ठीक है तो ये जो ईट है सर ये अपने जो भी इसका ड्राई वेट है उसके उसका 12 से 15 परसेंट तक वाटर करती है इन जनरल ऐसा जनरली ऐसा होता है ठीक है जो हमारी ड्राई वेट होगी इस ब्रेक की उसका बारह से पंद्रह उसका वेट जो भी होगा उतना पानी अब्जॉर्व करती है जनरली लेकिन लेकिन यहाँ पे प्रोविजन है कोड के प्रोविजन है आई एस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब वाटर ऑप्शन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे तो लोग सब कुछ देखेंगे उसमें कि कितना वाटर जॉब करना चाहिए क्या क्राइटेरिया कितने लिमिट्स है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ठीक है तो कोड यहाँ पे बोल रहा है कि इट्स वाटर ऑप्शन शेल नॉट एक्सीड किसी भी हालत में किसी भी हालत में चलिए बारह से पंद्रह परसेंट कर रहा है अपने ड्राई वेट का वाटर जॉब ठीक है अच्छी बात है लेकिन किसी भी हालत में मान लीजिए कुछ कुछ हो भी गया तब भी उसको ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा पानी एब्जॉर्व नहीं करना चाहिए ठीक है इट शुड नॉट है ना द वाटर ऑप्शन शेल नॉट अचीव ट्वेंटी वाटर कोल्ड वाटर फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स इसको याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट देखो ये पॉइंट ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे ब्लैक से लिख रखे हैं ठीक है, है? सर ने जो ब्लैक्स यहाँ पे टाइप कर रखे हैं बोल्ड में लिख दिया है में कर दिया इसको ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने की संभावना है ठीक है तो इसको जरूर याद रखो उसके बाद क्रशिंग स्टेंट जो होती है वो उनकी दस न्यूट्रन पर एम स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए अभी तुम देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पढ़ो फिर हम लोग एक काम करेंगे सबको अच्छे से कंपेयर कर लेंगे एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है कि किसका वाटर ऑप्शन कितना है किस क्रशिंग स्ट्रेंट कितना है बात है ठीक है अब जैसे तुम आगे बढ़ोगे सेकंड की ओर ये सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी गिरावट आएगी ठीक है सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी गिरावट आएगी ठीक है समझ पा रहे हो हम लोग और प्रॉपर्टीज उसकी बेकार होती जाएंगी बेकार होगी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अब आगे बढ़ने पे अब जैसे इसकी क्रशिंग टेन है तो उसकी और कम होगी वाटर ऑप्शन बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर ऑप्शन डिजायर्ड नहीं होता है तो वो बढ़ जाएगा इस तरह की चीजें देखने को तुमको मिलेंगे अभी ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड सेकंड क्लास पे लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास का यूज पढ़ लेते हैं

लोड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं ठीक तो है तो फर्स्ट क्लास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिक है ना चलो आगे बढ़ते हैं हा वेरी गुड इसके पीडीएफ नोट्स बेटा टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे तो बता चुके हैं ना और गेट निकालेंगे सेल्फी कितने आर चाहिए बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है और ठीक है ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है बेटा बिल्कुल तुम्हारे जितना मन लगे ठीक है बेटा विकास जितना तुम्हारा मन करा करे उतना पढ़ा करो लेकिन उसको इंजॉय करके पढ़ो और जितना घंटे मत देखा करो तुम बस ये है कि तुम अपने डेली टारगेट सुनाया करो कि आज भर में इतना इतना खत्म करना है वो खत्म हो जाए तो बस बात खत्म हो जाती है ठीक है और उस समय तुम्हारा तो फोकस अच्छे से बना रहे ये नहीं कि तुम तो दस घंटे पढ़ रहे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो बेकार हो जाता है सब कुछ ठीक है बहुत लोग हैं जो बहुत घंटे घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छे आ आने हैं एक्टिवली पढ़ते नहीं वो लोग बस वो रीडिंग कर रहे हैं रीडिंग से काम नहीं बनता तुमको बहुत क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी तो नंबर अच्छे आएंगे ठीक है विकास चलो पढ़ते हैं आगे हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं हाँ एकदम सुंदर ब्रिक्स होते हैं बिल्कुल सही बात है चलो अब जरा देखते हैं हम लोग सेकंड क्लास तो सेकंड क्लास में देखिए वहां पे आपने आकार दिया था टेबल पर के वहां पे आपने शेप दिया था टेबल पर के ब्रिक्स को यहां ऑब्वियसली तो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा पहला काम ठीक है लेकिन हाँ इसको हम लोग भट्टे के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं बर्न करते हैं ये भी हमारी क्या है ये ग्राउंड वोल्डेड है और लेकिन इसको बर्न हम लोग अच्छे से ही करते हैं किल के अंदर करते हैं ठीक है लेकिन अब ये जो ब्रिक है ये रेक्टेंगुलर चलिए होगा लेकिन इतना स्मूथ और इतना परफेक्ट नहीं होगा जितना फर्स्ट क्लास था इरेगुलरिटीज यहाँ पे थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज यहाँ परमिटेड है ठीक है और सरफेस जो है थोड़ा सा अनइवन भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो मगर इस इमेज को देखो चलो इमेजेस को देखो थोड़ा समझ में आएगा तुमको ज्यादा इमेजेस को देखो एक इसमें जूम करते हैं यहाँ देखो इसको ज्यादा जूम हो गया ये देखो यहाँ पे ठीक है इस इमेज को बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग कमाल की तरीके से इमेज देखेंगे क्या दिख रहा है यहाँ पे सर ये फर्स्ट क्लास देखा बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसमें सरफेस काफी इवन सा दिख रहा है हमको ठीक है सर्फेस में काफी आ रही है देख पा रहे हैं हम लोग एजेस भी पूरी परफेक्ट नहीं है ठीक है तो ये हमारा सेकंड क्लास अब देखो जब साइड में तुम ब्रिक बना रहे हो जो क्या नाम है के, के अंदर ब्रिक बना रहे हो तो वहां पे फर्स्ट क्लास भी बनती है सेकंड क्लास बनती है और तुमको वहां पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा जो अच्छे से जल गई होगी अच्छे से शेप ले पाई होगी उसको तुम अलग कर दो इसको अलग कर दो ठीक है चलिए ओके ठीक है चलिए बात समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे ये ये वाला पॉइंट समझ समझ गए गए हैं, हैं और इसमें भी सर क्या है साउंड होनी चाहिए पहले में भी आ रही है दूसरे में भी आ रही है ठीक है अभी डल नहीं हुआ है और बाकी सब सेम क्रशिंग स्टेन वहां पे दस थी कितनी सात वहां पे दस थी कितनी सात जरा इसको देखते चलना वॉटर ऑप्शन वहां पे जनरली कितना था बारह से पंद्रह वो ब्रिक्स थी बारह से पंद्रह परसेंट अपने तो ये कितना करेंगे उससे ज्यादा क्योंकि उससे बेकार है ये कितना करेंगे सोलह से बीस लेकिन कोड कह रहा है कि, कि किसी भी हालत में ये बाईस परसेंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए ठीक है ये बाईस परसेंट से ऊपर नहीं जाना बल्कि तुम इसको तो याद रखो बीस बाईस पच्चीस है ना यहाँ पे बच्चे ने कमेंट भी किया बीस बाई पच्चीस बीस बेटा होता है फर्स्ट क्लास का बाईस होता है सेकंड क्लास का पच्चीस होता है थर्ड क्लास का ठीक है ओके उसके बाद उसके बाद ये तो हम याद रखेंगे सर देखो एक बात तो याद रखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट ठीक है और क्लिंगिंग साउंड वेरी पॉइंट इंपॉर्टेंट इसी को हमने ब्लैक से क्या कर रखा है बोल्ड कर रखा है ठीक है चलिए ओके okay, सर ये भी बात समझ में आ गई हमको चौबीस घंटे की बात हो रही थी यहाँ पे अब यूज की बात करेंगे देखो वहां पे जो यूज था वो आप उसको एक्सटीरियर वॉल फ्लोरिंग जो लोड से डायरेक्टली एक्सपोज है, है वहां पे यूज कर सकते हैं ना लेकिन यहाँ पे क्या है जो भी अन इम्पोर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क है या आरसीसी वर्क है जिसमें हमारी ईट अंदर खिल जाती है हिडन का मतलब क्या होता है हिडन का मतलब वो हो गया कि हमारी ब्रिक्स अंदर है या उसके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है वो दिख नहीं रही डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ठीक है

शेप चलो एक एक करके देखते हैं यार एक एक करके देखते हैं शेप की बात करें तो शेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा शेप सर इवन से हमारा शेप इवन से क्या हो रहा है इवन से क्या हो रहा है अन हो रहा है यस ऑन नो सही बात है बिल्कुल सही बात है सर उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ की तो क्रशिंग स्ट्रेंथ सर क्या हो रही है धीमे धीमे बताओ कमेंट करो बढ़ रही है कम हो रही है ऑब्वियसली सर फर्स्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी दस थी इसकी कितनी सात है इसकी कितनी पांच है ना दस से ज्यादा होनी चाहिए इसकी सात से ज्यादा होनी चाहिए इसकी पांच से ज्यादा होनी चाहिए और इसका तो हिसाब किताब है, है ना तो स्ट्रेंथ सर एक तरह से कह सकते हैं फिर अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की देखते चलना रहे ध्यान से यहाँ पे नंबरिंग डाल देते बल्कि वन टू थ्री अब बात करो वाटर एब्जॉर्प्शन की ठीक है तो बताओ वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है भाई ऑब्वियसली बढ़ेगा फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है वो अच्छा होता है सर फर्स्ट क्लास ब्रिक आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली उसका वाटर ऑप्शन क्या होगा उसका वाटर ऑप्शन कम होगा ठीक है तो इसका सर कितना है वाटर ऑप्शन हमारा इसको अलग इनसे ज्यादा बढ़िया रहेगा इसका कितना बोला गया से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका कितना बोला गया बाईस बीस इसका बाईस से ज्यादा नहीं इसका पच्चीस से ज्यादा नहीं ठीक है इसका पच्चीस ज्यादा नहीं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है ठीक है ओके okay. अब हम अब हम बात करने वाले किसमें अब हम बात करने साउंड में ठीक है जो ये क्लिंग करने पे साउंड आती है ठीक है जो साउंड की बात अगर हम करें किस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब ये लोग हिट किए जाते हैं तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे साउंड हमारी क्लिंग से लेकर डल होते चले जाएंगे ठीक है ये साउंड हमारी कैसे कन्वर्ट होगी सर क्लिंगिंग से क्लिंगिंग साउंड से क्लिंग सर ये डल की ओर कन्वर्ट होगा तो ये सब कुछ बातें हैं जो तुमको समझ में आनी चाहिए ठीक है अब अगर बात करें लोग कलर की बहुत ध्यान समझो यार बहुत ध्यान समझो तुमको यहाँ कंपेरिजन मिल जाएगा कलर की अगर बात करें ठीक है कलर की बात करें तो देखो कलर जो है वो हमारा बहुत ही गहरा था पहले कलर बहुत ही गहरा था पहले ठीक है डीप रेड या चेरी कलर था डीप रेड या चेरी कलर था लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो कलर जो है उसके अंदर ब्लैक क्या नाम है येलो येलो टाइप का होता और ब्लैक टाइप का होता रहा ठीक है ठीक है तुम देख सकते हो जैसे आगे बढ़ रहे हो तो उसका कलर अब रेड नहीं रेड सा नहीं रह रहा है वो थोड़ा सा ब्लैकिश होता जा रहा है ठीक है ब्राउनिश या ब्लैकिश होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समझ रहे हो क्यों क्योंकि वो ज्यादा जल गई है या कम जल गई है ये सब प्रॉब्लम आ रही है ना तो ये सब चीज थोड़ा समझने की कोशिश करो और स्ट्रेंथ उसकी ऑब्वियसली क्या हो ऑबियसिक कम हो रही है ठीक है हर चीज यहाँ पे बेकार होती चली जा रही है ये बात हमको समझ में आई सर अब देखो यहाँ पे जरा ठीक है तुम देखो कलर देखो तुम जरा इसका इसका कलर देखो डल है पहले से जो पहली ब्रेक हमने देखी तो कितनी एकदम बढ़िया सी गहरी लाल थी ये देखिए सर कैसे एकदम ब्लैक टाइप की दिखाई दे रही है थोड़ा सा इसमें ब्लैकिश या ब्राउनिश रंग आ रहा है और देख के लग रहा है कि बेकार है देख के लग रहा बेकार अब तुम जरा यहाँ पे फोर्थ क्लास की देखो फोर्थ क्लास भी देखो कितनी बेकार है यहाँ पे कितना ब्लैकिश आ गया ये कितना ओवर बर्ड है यहाँ पे देख सकते हो कि नहीं ठीक है अच्छा ठीक है चलो बात समझ में आ गई होगी इजी चीज है इसमें कुछ बहुत कठिन तो है नहीं ठीक है थर्ड क्लास की बात करें अगर हम लोग तो थर्ड क्लास अब देखिए वो पहला वाला टेबल टेबल मोल्डेड यहां पे लिख दो एक टेबल मोल्डेड यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है तो जरा कंपेयर कर लेते सही से ठीक है मोल्डिंग भी लिख दो यहाँ पे मोल्डिंग भी लिख दो मोल्डिंग है पहला वाला बताओ कौन सा मोल्डेड था कमेंट करो जल्दी से सर पहला वाला मोल्डिंग अगर बात करें तो पहला वाला कौन सा मोल्डेड था ठीक है और फिर यहाँ पे किल की बात कर लेंगे पहला वाला कौन सा मोल्डेड था सर पहला वाला हमारा कौन सा मोल्डेड था पहला वाला कौन सा मोल्डेड था सर पहला वाला हमारा था टेबल मोल्डेड है ना

बल्कि किल ना लिख के मेथड ऑफ बर्निंग लिखो यहाँ बल्कि मेथड ऑफ बर्निंग लिख सकते हैं पे है कि नहीं ओके okay, सर तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ सर यहाँ लिखेंगे क्या फर्स्ट क्लास हमारा किल के अंदर होता है सेकेंड क्लास भी सर किल के अंदर होता है थर्ड क्लास लेकिन एक सेकेंड थर्ड क्लास लेकिन किसके अंदर होता है क्लैम के अंदर होता है क्लैम क्लैम्प थोड़े से बेकार होते हैं और फोर्थ क्लास तो पक्का ही क्लाइम्प में होता है सर है ना किल जो होते हैं वो क्लाइम्स से थोड़ा बेटर होते हैं अभी आगे हम लोग बताएंगे तुमको आगे देखेंगे हम लोग इसको ठीक है ये सब तुमको सब कम्पेरिजन अच्छे समझ में आ गया होगा और एक बात और है जैसे आगे बढ़ोगे ब्रिटेनलेस बढ़ती जाएगी एकदम से टूटने एक की संभावना बढ़ेंगी ठीक है तो थर्ड क्लास ब्रिक्स जो होते हैं सर थर्ड क्लास ब्रिक्स जो हमारे हैं वो ग्राउंड पे मोल्ड किए जा रहे हैं ग्राउंड पे मोल्ड किए जा रहे हैं और क्लाइम्प के अंदर बर्न किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बेकार बनने ही बनने इसमें कोई दौरा है नहीं ठीक है वो सही से पकाए नहीं गए सर सही से जलाए नहीं गए या तो वो ज्यादा जल गए या तो कम जले हैं अंडर या ओवर है ठीक है और अब जब वो अच्छे से पकाए नहीं गए तो उनका रेडिशनेस क्या होगी बेकार होती जाएगी वो थोड़ा सा ब्राउन की साइड जाना शुरू करेंगे ठीक है और सॉफ्ट हो जाएंगे वो थोड़ा सा ब्राउनिश और ब्लैकिश के रंग में ठीक है उनका रेडिश उनकी जो रेडिनेस है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी ठीक है ओके फिर अगर हम बात करें रफ फिर अगर हम बात करें रफ की तो नहीं रफ की क्या बात करें थर्ड क्लास हमारे रफ है हैर है डिस्टॉर्टेड है उनके शेप वगैरह सब प्रॉपर है नहीं ठीक है और सर देखिए यहाँ पे अब बात इनका जो साउंड है वो कैसा है डल है डल साउंड में होगा इनका नहीं? इनको जब लड़ाएंगे तो वहाँ पे क्लिंग करके साउंड नहीं आएगी वहाँ पे कैसी हो आएगी डल साउंड आएगी ठीक है वॉर ऑप्शन ऑब्वियसली अब क्या है बाइस से भी ज्यादा हो जाता है बाईस से ज्यादा बोला गया है वाटर ऑप्शन इसका बाईस से पच्चीस परसेंट होता है इन जनरल लेकिन बाईस से ज्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन कोई नहीं वाटर ऑप्शन इसका पच्चीस परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि लिख भी देते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे सर कि वॉट इज ऑप्शन ठीक है हम डुबो देंगे चौबीस घंटे पानी में ठीक है ट्वेंटी फोर आवर इमर्जन के बाद की बात हो रही है क्रशिंग इसकी कितनी होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ जल्दी पांच से ज्यादा होनी चाहिए रेंज की साढ़े तीन सात चलती है वह तो अलग बात है लेकिन क्रशिंग स्टेंस की पांच से ज्यादा होगी तभी हमारा किस में आएगा थर्ड क्लास में आएगा ठीक है स्ट्रेंथ का कुछ इतना वो नहीं है स्ट्रेन का कुछ इतना वो नहीं है रेंज चलती रहती है इसमें फोर्थ क्लास को झामा ब्रिक्स बोलते हैं पिल्ला ब्रिक्स बोलते हैं बेकार से होते हैं तो से देख लो किस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे है ना देख लो यहाँ पे ठीक है ये हमारे कौन से ब्रिक्स हैं झामा ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा ओवर ओवरबर्ड है काफी ज्यादा जला दिए गए हैं तभी कलर इनका कैसा हो गया डार्क हो गया है ये एकदम बेकार है बैडली डिस्टोटेड है और बिटल नेचर है इनको कहा यूज करते हैं फाउंडेशन वर्क में यूज करते हैं ठीक है इसको जल्दी फाउंडेशन वर्क में यूज किया जाता है तोड़ तोड़ के डाला जाता है ठीक है इसको फाउंडेशन वर्क में यूज करते हैं हम लोग लिख देते हैं बल्कि यहाँ पे तो ये वन का यूज होता है कहा फाउंडेशन वर्क में बताओ बात समझ में आ गई सबको बताओ ये क्लासेस में सबको तो क्लियर होगा फाउंडेशन वर्क में इसको तोड़ तोड़ के यूज किया जाता है वहीं पे बाकी ये मैसेजी वगैरह में कभी यूज नहीं कर सकते हम लोग ठीक है मैसेजरी वगैरह में ये सब कभी यूज नहीं कर सकते आप जरा कमेंट देखे तुम लोग के किल में सारे क्लास मिलते हैं बिल्कुल बेटा सब क्लास मिलते हैं क्योंकि होता क्या हीटिंग एकदम प्रॉपर हो नहीं पाती कहीं हीट ज्यादा होती है कहीं कम होती है जहां कम होगी वहां पे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास मिल जाएंगे लेकिन हाँ किल में मेनली हमको जो ब्रिक्स मिलते हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्लास मिलेंगे ठीक है तिल और क्लैम में दोनों में डिफरेंस क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल चिंता ना करो इमेजेस थ्रू सब कुछ समझेंगे ठीक है हाँ सोइलिंग हाँ सोलिंग में यूज करते हैं बिल्कुल सही बात है चिरंतन हैं इतना क्लास में क्यों डिवाइड करते हैं बेटा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इतना बढ़िया क्वेश्चन हमने आज तक नहीं सुना है इतना क्लास में क्यों डिवाइड करते हैं बेटा ये तो पता करना पड़ेगा यार ये तो जो ईट बना रहा है उससे पूछना पड़ेगा और क्या क्वेश्चन है हाँ केल इज इक्ल टू भट्टा गुड सही है सही है सही है बेटा इतनी क्लास में क्यों डिवाइड करते हैं इसका आंसर सब नहीं दे पाएंगे बस डिवाइड कर दिया है आज मर्जी थी तो डिवाइड कर दिया ठीक है वैसे क्लासिफिकेशन और भी टाइप के हैं लेकिन यही हमारे मेन है ठीक है स्ट्रेंथ के आधार पर भी ब्रिक्स को क्लासिफाई किया जाता है आई एस वन जीरो सेवन सेवन ई एस सी में अगर पूछा गया तो बता देते हैं बल्कि ई एस सी में पूछा गया क्लासिफाई कर देते हैं कभी कभी यहाँ लिखते हैं जरा तो एक तो तुम्हारा फील्ड साइड पे जो क्या नाम है फील्ड प्रैक्टिस में किस तरह से ब्रिक को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो समझ चुके हो ठीक है अब यहाँ लोग बात करने वाले सही है चलो तो हम लोग यहां बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इस तरह से क्लास करते हैं आई एस वन जीरो सेवन सेवन में ठीक है देख पा रहे सब लोग ठीक है चलो क्लियरली विजिबल है एकदम तो यहां पे तुम तो देख सकते हो क्लास इधर क्लास लिखेंगे हम लोग

स्ट्रेंथ किसी भी हालत में बीस से कम नहीं होनी चाहिए इसका मतलब होता है क्लास ट्वेंटी तो ये सारी क्लास लिखी हुई है ये सारी क्लास लिखी हुई है है ठीक न्यूटन पर एम स्क्वायर में कोड ऐसे केजी पर सेंट स्क्वायर स्क् वैल्यूज लिखी हुई है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो एवरेज स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होना चाहिए एवरेज स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए थर्टी फाइव से ज्यादा ही होनी चाहिए तब उसको तुम क्लास थर्टी फाइव बोलोगे एवरेज स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या 30 होनी चाहिए थर्टी से ज्यादा होनी चाहिए एवरेज स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या क्यों चाहिए ट्वेंटी यहाँ पे ट्वेंटी से ज्यादा समझ पा रहे हो तो हम वही क्लास इसको बता देंगे है ना फिर हम इसको वही क्लास का नाम दे देंगे बात समझ में आ गई होगी अब जस्ट हम लोग कमेंट कर बताओ अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सर तुमसे पूछने जा रहे हैं एक क्वेश्चन तुमसे सर पूछने जा रहे हैं जरा उसका आंसर देना एक क्वेश्चन तुमसे सर पूछने जा रहा है उसका आंसर दो क्या आंसर देना है तुमको अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ मान लो सेवेंटीन निकल के आई सेवनटीन तो बताओ वो कौन सी क्लास का होगा कमेंट करके बताओ अगर कोई एक ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ सेवेंटी निकल के आई तो वो कौन सी क्लास का होगा जरा बताओ ये सारी क्लास लिखी है यहाँ पे एवरी कमेंट करो जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से एनी वन कोई बताएगा सर को यहां पे क्या होगा बताओ तो सर उसकी क्लास वेरी गुड वेरी गुड उसकी क्लास सेवेंटी पॉइंट फाइव हो सकती है नहीं उसकी क्लास 15, उसकी क्लास क्या क्लास कितनी होगी 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 वेरी गुड उसकी उसकी क्या क्या सॉरी ठीक है समझ गया होगी क्यों क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ये फिफ्टी से ज्यादा है अब जब ये फिफ्टीन ज्यादा है तो उसको हम किस क्लास में रख देंगे रख साढ़े सत्रह से ज्यादा तो हो नहीं भाई साढ़े सत्रह से ज्यादा तो हो नहीं होनी समझ में आई बात एकदम सर एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट बढ़िया से सब समझ में आ गया ये तुम देख सकते हो ठीक है एक नोट डाल के नीचे लिख देंगे नोट डाल के देंगे कम से कम हमारे ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए नोट डाल के पे कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक इज ठीक है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे ब्रिक की कितनी होती है देखो लिखी है यहाँ पे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फिर वो ब्रिक नहीं कुछ और हो जाएगा नहीं तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज ब्रिक इज कितना साढ़े तीन

तो देखो एक के जी की जगह हम यहाँ पे दस मिनट लिख सकते हैं और एक सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है सौ एमएम स्क्वायर है ना तो देखो यहाँ से क्या हो गया वन हो गया ये वन न्यूटन स्क्वायर हो गया है ना कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट ठीक है चलो याद इसको तो अगर तुमको कहीं पे ऐसा लिख रहा है कहीं पे तुमको अगर ऐसा बोल दे रहा है कि भाई साढ़े तीन सौ के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका मतलब पता क्या हो गया इसका मतलब हो गया थर्टी फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये भी तुमको पता रहना चाहिए अगर ये सी घर पर दे रहे हो तो तुमको ये आइडिया होना चाहिए ठीक है जैसे कि हम आप थर्टी फाइव लिखा है तो ये थ्री फिफ्टी है थर्टी फाइव फिफ्टी में कोई फर्क नहीं थर्टी में और थ्री हंड्रेड कोई फर्क नहीं है दोनों एक ही चीज है ठीक है याद रखना इसको इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरी तुमको कभी कोई क्वेश्चन के जी में दे देगा तुमको तो कन्फ्यूज हो जाना उसमें है ना ऐसा ना हो कि सर कन्फ्यूज हो गए तो ये भी तुम नोट कर सकते हो कि कम से कम ये सब स्टैंस वगैरह रहती है ठीक है चलो और दो गुड 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 हाँ फिफ्टीन विल भी काउंटेड बेटा फिफ्टीन तो फिफ्टीन में काउंट किया जाएगा यहाँ पे इक्वल लगाओ यार तुम लोग तो दिमाग लगा देते हो कसम से यार इतना दिमाग लगा देते हो तुम लोग कौन है महाराज ये कुणाल साहब है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा इक्वल लगाना भूल गया चलो खुश हो जाओ बढ़िया दिमाग लगाया तुम लोग ने ठीक है आप बताओ आप सही है इक्वल लग गया यहाँ पे सर एक ब्रेक यहाँ शायद बारह पे पड़ते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा इतने सारे क्लास होते हैं अरे अभी तो और है बताओ तुमको उनको नहीं हमने उतनी सारी है ना चलिए सर ज़रा आगे बढ़ते हैं हम लोग तो फटाफट अब फटा आगे बढ़ते हैं ठीक है ये क्लास हो गई हमारी क्लासिफिकेशन हो गया ठीक है बाकी वैसे और भी बहुत सारे ब्रिक्स टाइप ब्रिक का क्लासिफिकेशन होता है लेकिन वो सब सा सारे मतलब का नहीं है ठीक है वो सब मतलब का नहीं है बाकी उसको स्पेशल टाइप में देख लेंगे अब हम जरा हम देखते हैं कि सर सामने ब्रिक बनती कैसे है अब सर देखिए हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया चारों टाइप की ब्रिक हमने पढ़ ली मेन और आपने स्ट्रेंथ के बेसिस में बता दिया थोड़ा सा एक बार यती पूछा कि ऐसे सर ने उनको बता दिया है अब क्या है कि सर हमारी जो मिट्टी है बहुत ध्यान सुनना बेटा बहुत ध्यान सुनना इसको हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करेंगे ठीक है समझना बहुत ध्यान से लेकिन सर हमारी जो मिट्टी है जिससे ब्रिक बनता, बनता सबका सब देखो, तो सब देखो ब्रिक की जो मैनुफैक्चरिंग होती है ब्रिक की जो मैफेक्चरिंग होती है उसके प्रोसेस क्या है देख लो पहले ठीक है पहले तो हम लोग क्या करते हैं पहले मिट्टी तैयार करते हैं सबसे पहले हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं जिस मिट्टी से हमको ब्रिक बनाना है ठीक है सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं फिर क्या करते हैं उस मिट्टी को जब हम एकदम अच्छे से तैयार कर लेते हैं उसके अंदर जो भी हमको मिट्टी के अंदर जो भी कॉम्पोजिशन जैसा चाहिए होता है वो हम तैयार कर लेते हैं उसके कॉम्पोजिशन हम परफेक्ट कर देते हैं उसके बाद हम उसको ब्रेक को शेप देते हैं आकार देते हैं मोल्ड करते हैं ठीक है कि उसको ऐसा बनाना है उसके अंदर क्या नाम है ये आकार देना है उसके अंदर यहाँ पे फ्रॉक देना है तो शेप हम लोग देते हैं ठीक है कैसे देखेंगे वो हम आगे देखेंगे और फिर उसको हम सुखाते हैं सर उसको फिर हम क्या करते हैं ड्राई करते हैं ड्राई करने के बाद अच्छी खासी स्ट्रेंथ वो ले लेता है और फिर उसको हम ड्राई करने के बाद ईट को हम क्या करते हैं भट्टे के अंदर या किल के अंदर हम उसको क्या करते हैं पकाते हैं बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद वो अपने सॉफ्ट नेचर को छोड़ के वो हार्ड हो जाती है ठीक है तो ये बात तो हमको समझ में आई सर पहले मिट्टी तैयार करो आकार दो फिर थोड़ा सुखाओ उसको फिर क्या करो उसको बर्न कर दो ठीक है लेकिन जब मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी जो हमारी होती है जिसको हम क्ले बोल रहे हैं या ब्रिक अर्थ बोल रहे हैं अर्थ मतलब मिट्टी ब्रिक को तैयार करने के लिए मिट्टी लगती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो हमको समझना पड़ेगा उसके अंदर सर क्या क्या होना चाहिए कितनी मात्रा में ये हमको समझना है ठीक है तो यहां पे हेडिंग हमारी क्या पड़ी है कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ मतलब ईट को तैयार करने वाली मिट्टी कैसी होनी चाहिए ईट को तैयार होने वाली मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए ये बात है और क्या क्या नहीं होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए ये दोनों ही हमको पता होना चाहिए ठीक है अब इसे क्या क्या नहीं होना चाहिए पत्थर नहीं चाहिए हमको पेडल्स नहीं चाहिए छोटे मोटे पत्थर पत्तियां आ गई उसमें ठीक है ऑर्गेनिक मैटर आ गए कीड़े मकोड़े आ गए वो सब नहीं चाहिए हमको ऑब्वियस बात है ना तो एक एक करके देखेंगे हम लोग अब हम यहाँ बात करते हैं क्या क्या होना चाहिए तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सलीम एक ट्रिक बनी है यहाँ एक निमोनिक यूज किया गया है निमोनिक जानते तुम लोग क्या होता है जिससे तुम लोग आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हो सलीम सलीम साहब यहाँ पे आ गए हैं सलीम जानते तुम लोग अनार कली जी के हस्बैंड थे बहुत ही कमाल के आदमी थे ठीक है गाने आने का बहुत शौक रखते थे जानते हो तुम लोग सलीम को कमाल के आदमी थे देवेंद्र कहने से पिछली क्लास नहीं है यूट्यूब बेटा ऐसा है ही नहीं यार सब कुछ पढ़ा है पीछे देखना

अब बचा हुआ देखिए सिलिका और लाइम सॉरी सिलिका एलुमिना हमारा हाई कंटेंट में लगभग लगभग एट्टी से इनका होता है लगभग हमारा यहाँ पे सिलिका और एलुमिना हो जाता है ठीक है बात समझो ध्यान से तभी हमारा ब्रिक अच्छा होगा तभी हमारा ब्रिक अच्छा बनेगा ठीक है हमको सिलिका एलुमिना की जरूरत है ज्यादा और बचा हुआ जितना तुम तो देख रहे हो लाइम है आयरन ऑक्साइड है मैग्नीशिया मैगनीशियाली और वाटर थोड़ा बहुत ये सब लगभग लगभग सब मिला जुला के लगभग बीस से नीचे रहते हैं ये सब मिला के सब कुछ मिला के बीस से नीचे रहते हैं ठीक है आयरन ऑक्साइड लगभग पांच सौ दस परसेंट रहता है आयरन ऑक्साइड हमारा लगभग लग सात परसेंट से कम रहता है मैगनीशिया लगभग एक परसेंट से कम रहता है ठीक है एलकली हमारा लगभग लगभग दस परसेंट से कम रहता है मतलब ये तो काफी कम रहते हैं सब ठीक है ये सब इनका इनका इतना रोल नहीं है लेकिन रोल मेनली किसका है सिलिका का और एलुना का इंपॉर्टेंट यही दोनों एक्जाम्पल तो से पूछ सकते हैं कि सिलिका और एलुना का मिट्टी के अंदर क्या काम है सिलिका और अलगना का इस क्ले में जिस क्ले को हम जिस क्ले को हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रिक बनाने के लिए उसमें उनका क्या काम है ठीक है चलो फंक्शन शुरू करते हैं करके ठीक है समझ गए हो गए यहाँ पे बात लेते हैं इनका जो कॉम्पोजिशन अराउंड एट्टी टू एट्टी फाइव परसेंट है और इनका जो कॉम्पोजिशन बाकी सबका मिला के ये सब तो बस ऐसे ही आ गए सर इनका ज्यादा कोई है है नहीं ये कितना बीस परसेंट ठीक है तो ये हमारा ब्रिक अर्थ का कॉम्पोजिशन है जो हमको याद करना है ठीक है अच्छा देखे ना अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या हार्मफुल इन्ग्रेंट होता है वो भी देखेंगे लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं एक एक का फंक्शन बताओ एक एक का फंक्शन डिस्कस करते हैं ठीक है, है? नहीं, अच्छा प्लीज में है तो यार चलो देखा जाए हाँ सिलिका क्या देगा इसका देगा बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग पहले तो सर इसका परसेंटेज याद करो एग्जाम पूछ सकता है कि सिलिका का परसेंटेज कितना रहता है ठीक है ये पूछा सकता है जैसे तुम्हारा क्या नाम है याद करो सीमेंट में लाइन अच्छा था सीमेंट लाइन का कंटेंट लगभग सिक्सटी सिक्स परसेंट था मतलब सिक्सटी थ्री था एवरेज है ना सिक्सटी थ्री सिक्स सिलिका कंटेंट कितना है फिफ्टी सिक्सेंट इसका मेन फंक्शन क्या तुम देख सकते हो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्रोवाइड करता है ड्यूरेबिलिटी देखो यहाँ पे सारे फंक्शन लाइन से लिखे हुए हैं ठीक है थीके? इसका मेनली काम होता है कि ये अपने जो ब्रिक है उसका शेप और साइज को मेंटेन रिटेन करे ठीक है बल्कि पे पे लिख सकते हैं, तो सकते हैं हैं हम लोग ऐड कर कि इट लिखते हैं जरा चलो और तुम लोग को जो भी पता है जो भी थ्योरी तुम लोग जानते हो उसको लिखना शुरू करो फटाफट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हम लोगों को सब सीखना है सर बढ़िया तरीके से एकदम ठीक है बढ़िया तरीके से सीखेंगे क्या लिखना है सर यहाँ पे इट एनेबल्स It enables, क्या भाई ब्रिक टू रिटेन इट एंड शेप एंड होता है? है ना अब मेल्टिंग पॉइंट जब इतना हाई है सर तो उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता इतने टेम्परेचर बढ़ा दीजिए उसका शेप साइज नहीं बिगड़ने वाला है सिलीका जो है क्या कर रही है मदद करती है ठीक है बाकी

अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग बेकार हो जाएगी पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग बेकार हो जाएगी और वो जो हमारा ब्रेक था जो पूरा एक जैसा एक जैसा टिका था वो पूरा ब्रेक करने लगेगा वो क्रम्बल करने लगेगा है ना क्रश करने लगेगा और उनके बीच में यूनिटी क्या होगी बेकार हो जाएगी अब जब तुम उसको तोड़ोगे तो तुरंत ही क्या होगा टूट जाएगा ब्रिटल तरीके से ठीक है तुरंत ही क्या होगा सर वो टूट जाएगा तो अगर ज्यादा होगा अगर हमारा सिलिका ज्यादा होगा तब प्रॉब्लम है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है ब्रिटल हमारा क्या नाम है ब्रिटल हो जाता है और बढ़ने से वो वीक भी जाता है क्या सकते हैं वीक in nature. अगर हम यहाँ सिलिका की मात्रा को बढ़ा देंगे तो मेनली तो है भाई ये हमारा शेप को को करता है दूसरा उसकी होने देता तीसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और चौथा यहाँ पे ज्यादा होगा तो हमारा ब्रिक क्या होगा वीक हो जाएगा ठीक है ये इसका मेन काम है समझ गया कि नहीं तुमसे पूछे सैंड क्यों मिला तो तुम मेनली बताओगे इट इज एडेड इन ऑर्डर टू डिक्रीज श्रिंकेज Break में सिंके ज्यादा ना हो तुम खुद ही सोचो यार जब तुम एक भट्टे को एक मिट्टी को अच्छे से क्या नाम है वेट करके सुखा के जब उसको भट्टे में रख रहे हो तो उसके अंदर से पानी जलता है यार सारा पानी जलता है जब पानी जलेगा तो सिंके क्या होगा बहुत ज्यादा होगा ठीक है लेकिन अगर सैंड अच्छी मात्रा में लोगे तो उतना वॉल्यूम चेंजेस नहीं आएंगे ठीक है चलिए समझ गए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आता है हमारा कौन सा एलुना एलुना हमारा लगभग लगभग कितना है यार ट्वेंटी थर्टी परसेंट का मेन काम क्या होता है ये प्लास्टिसिटी देखा है ठीक है प्लास्टिकी देता है और ब्रिक को शेप लेना मदद करेगा वेरी इंपॉर्टेंट इट हेल्प इन मोल्डिंग ब्रिक जब आकार लेता है तो एलुना की वजह से ले पाता है एलुना अगर कम ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी ठीक है एल्युमना कम ज्यादा नहीं होना चाहिए और ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा होगा अब क्या है ये थोड़ा प्लास्टिक प्रोवाइड करता है शेप में प्लास्टिक प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली जब प्लास्टिक प्रोवाइड करेगा ठीक है तो अगर ज्यादा होगा तो शेप में चेंजेस ज्यादा आएंगे क्रैकिंग ज्यादा होगी श्रिंक ज्यादा होगा वार्पिंग ज्यादा होगी हर चीज क्या होगी ज्यादा ज्यादा होगी अगर ज्यादा ही आप इसको एल्यूमिना दे देंगे ज्यादा ही प्लास्टिक हो जाएगा सर ये ठीक है फिर ज्यादा ही प्लास्टिक हो जाएगा और एक बात और जान लो अगर हमारी मिट्टी के अंदर एलुना कंटेंट काफी ज्यादा है यहाँ लिख लेते हैं एक पॉइंट अगर एलुना काफी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट काफी बढ़ जाता है और फिर हमारी ब्रिक रिफ्रैक्ट्री हो जाती है टेम्परेचर रजिस्ट्रेंट हो जाती है हीट को अच्छे से झेल पाती है ठीक है यहाँ पे लिखते हैं एक बात जिन मिट्टी में सर जिन मिट्टी में हम ये लिखते हैं देखो क्ले दो तरह के यार क्ले देखो दो तरह के होते हैं एक में होता है एलुमिना की मात्रा ज्यादा एक में होता है कम समझ लो एक में होता है लो एल्यूमिना और एक में होता है हाई एलुना ठीक है भाई अगर एलुना की मात्रा ज्यादा है देखो एलुना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा एलुना का जो मेल्टिंग पॉइंट है सर वो क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है तो ये वाली जो क्ले है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ये वाली जो क्ले है सर इसका मेल्टिंग पॉइंट सर कम होगा ठीक है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जहां भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो जो हमारी ब्रिक है वो रिफ्रैक्टरी बन जाएगी रिफ्रैक्टरी मतलब उसके अंदर हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाएगी ठीक है वो क्या हो जाएगी रिफ्रैक्ट्री हो जाएगी उसके अंदर हीट झेलने की क्षमता आ जाएगी सर है ना हीट हीट्रांजिस्टेंट हो जाएगी बात तुमको समझ में आई होगी ठीक है इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें लाइम की तो लाइम सर बिल्कुल बेकार होता है ज्यादा उसका काम कुछ होता नहीं लाइम का काम यह है कि जो सिलिका एलुना बाकी समय उनको सब अच्छे से फ्यूज करें उनको सब आपस में फ्यूज करा जैसे मान लो तुमने एक क्ले ली जिसके अंदर एलुना बहुत ज्यादा था एलुना इतना ज्यादा था मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा तो एलुना और सिलिका दोनों बदतमीज लोग हैं एलुना सिलिका इनका दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है पिघल नहीं है सर इसको बहुत हीट कर पिघल रहेंगे तो बताओ इनको पिघला है कौन वो कौन है पिघलाना लाइन लाइव अंदर जाएगा सबका बेल्ट थोड़ा कम करेगा और सबको आपस में क्या करेगा फ्यूज कर देगा अच्छे से ठीक है इसका मेनली काम होता है फ्यूजन का और प्रिवेंट करता है श्रिंकेज करताइन ठीक है और लेकिन अगर एक बात जान लो लाइन बढ़ा दोगे तो जल्दी पिघल जाएगा सब कुछ अगर बहुत ज्यादा लाइन बढ़ा दोगे तो एलुमिना सिलिका की स्ट्रेंथ इतनी नहीं दिख पाएगी और जल्दी पिघल जाएगा ब्रेक हमारा ठीक है इट कॉजेज द ब्रेक टू मेल्ट एंड ब्रेक लूज इज इट शेप ज्यादा ज़्यादा डालोगे तो, भाई एक हो फिर, है? तो एक बात है इनका मेल्टिंग पिघलाकर सबको एक जैसा बनाने वाला कौन है सबको में बांधने वाला कौन है लाइन ठीक है ये बात सब लोग याद रखेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे इसको सब लोग याद कर लो ओके बात समझ गए फिर हमारा कौन है सर आयरन ऑक्साइड जिसका काम होता है इम्परवलिटी अब तुमको पता है यार देखो अगर हमारा इम्परवलिटी बढ़ेगी कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा वाटर के साथ ठीक है तो ऑब्वियसली उसकी क्या होगी बढ़ेगी ऑब्वियसली देखो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे कलर प्रोवाइड करता है तुमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन एक कि ब्रिक का कलर कौन प्रोवाइड करता है तुम क्या बताओगे आयरन ऑक्साइड ठीक है और अगर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है ये क्रैकिंग और वार्पिंग करेगा ड्राइंग होने पर ठीक है मैग्नीशिया की बात करें तो हार्डनेस प्रोवाइड करता है और हल्का सा येल्लो ही कलर देता है ठीक है येलोइ कलर देता है थोड़ी हार्डनेस देता है और श्रिंकेज को कम करता है ठीक है यहाँ पे मैग्नीशिया का काम ये है और बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्रैकिंग वार्पिंग होगी ठीक है एक बात समझ लो कुछ भी ब्रेक में अगर ज्यादा हुआ तो उसका शेप डिस्टॉर्ट होगा और क्रैकिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगी क्रैक, क्रैकिंग श्रिंकेज वार्पिंग सब में सबके साथ एक ही समस्या है ठीक है कहीं देखो कहीं भी ऐसा लिखा है कहीं भी ज्यादा होगा शेप बिगड़ेगा क्रैकिंग होगी श्रिंकेज होगा सब जगह यही लिखा हुआ ठीक है तो सब कुछ जो है बहुत ही परफेक्ट अमाउंट में होना चाहिए और ये तुम्हारे किसी फंक्शन होगा सलीम का ठीक है बाकी हम लोग अब कल डिस्कस कर लेंगे अच्छे से वन बाय वन एक एक करके तो कहीं को तुमको कंफ्यूजन नहीं आने देंगे ठीक है बाकी क्वेश्चन भी तुमको बता देंगे सब कुछ सीख थी जाओगे ठीक है तो अभी ब्रेक की क्लास चलती रहेगी गई ऐसी लगातार सब लोग जुड़े रहेंगे बढ़िया से और हम लोग अभी सेशन को एंड करते हैं बढ़िया से तुम लोग को कुछ डाउट्स देख लेते जरा अगर हो तो. आए हो तो ठीक है आई होप तुम लोगों को क्लासेस में काफ़ी मजा भी आ रहा होगा एकदम बढ़िया से आई होप कोई कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं आएगी ओके मैगनीशिया अनसाउंड करता है लेकिन है कितना बेटा एक ही परसेंट है ना तो क्या क्या कर लेगा वो ठीक है मैगनीशिया एक ही परसेंट वो करेगा क्या यहाँ देखो ना मैगनीशिया एक परसेंट से भी कम है बेटा सीमेंट नहीं है ब्रिक है ये सीमेंट खत्म हो गया है ब्रिक शुरू हो गया है ठीक है चलो हाफ आवर नहीं हो बेटा 145 से क्लास चल रही है मिनट की क्लास है और टाइम पूरा हो चुका है चलो ठीक है तो ये दो टॉपिक हमारे आज के थे जो उन्होंने अच्छे से कवर कर लिए हैं आई होप सबको मजा आया होगा और सर जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लोग कराएंगे बढ़िया से ठीक है और सीमेंट कॉन्क्रीट टिम्बर जितना पढ़ लो रिवाइज करते हो चलो अब हमारे आने वाले क्लास में क्या क्या टॉपिक होंगे ब्रिक खत्म करेंगे फिर ब्रिक मशनरी देखेंगे फिर स्टोन देखेंगे स्टोन के साथ एग्रीट वॉटर मोटर लाइन जितने टॉपिक बचे हैं स्टील ग्लास फ्लाई एश, और एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक वन वन करके निपटाएंगे ठीक है जितना भी एसी के सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है ठीक है तो आई होप तुम लोग को सब कुछ चीज समझ में आ गई होंगी और इसी तरीके से साथ तुम लोग चैंपियन बनते रहोगे सर के साथ जुड़ के और सब कुछ रिवाइस करते रहोगे और एक रिक्वेस्ट है बेटा रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग अपने आप से पढ़ते तो हो नहीं ठीक है रिक्वेस्ट कर लेते हैं चलो रिक्वेस्ट करने में क्या जा रहा है तुम लोग को थोड़ा फायदा हो जाएगा रिक्वेस्ट कर ही लेते हैं क्या ठीक है रिक्वेस्ट कर लेते हैं क्या रिक्वेस्ट है सर देखो रिक्वेस्ट ऐसी बेटा कि तुम लोग पेपर अगर निकालना चाहते हो सीरियसली तो एक काम जरा सर की बात मान लो सब लोग बेटा क्या करो ई एस सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका होना चाहिए ई एस सी ईयर क्वेश्चन सबका होना चाहिए ठीक है अगर तुमको अच्छी अच्छी रैंक ना नाली अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में पहुंचना और कोशिश करनी चाहते हो कि एक बार में आप पेपर निकले ठीक है अगर एक बार पेपर निकालना चाहते हो सब लोग कोशिश करो पूरी जरा बेस्ट करने की कोशिश करो और ई एस सी के प्रियर क्वेश्चन ले लो सब लोग ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे पढ़ रहे हो वैसे लगाते हो चलो अभी बी पढ़ रहे हैं तो बी के लिए सिर्फ और सिर्फ सी का प्रीवियस क्वेश्चन है दो चार बार लगा लो बात खत्म हो जाएगी ठीक है तो साथ साथ जरा सब लोग चलते चलेंगे ठीक है साथ साथ सब लोग चलते चलेंगे अभी जैसे सीमेंट कॉन्क्रीट और टिम्बर हो चुका है तो जरा इनके कंप्लीट कर लो यार कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग स्पेशल क्लास गौस लेके उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो थैंक यू एवरीवन सब लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहेंगे कोई कंफ्यूजन आएगी सर के साथ जुड़ेंगे कोई दिक्कत आएगी तो लोग बताओगे कहाँ बताओगे सर के टेलीग्राम ग्रुप में चेतन सर सी एस और जो भी तरह की पीडीएफ अगर में लोग चाहिए वो सब उसी चैनल के ऊपर मिलेंगी लिख दिया करो वहां पे तुम लोगों की सारी बातें सब सुनने और धीमे सब चीजें फुलफिल की जाएंगी, है? Care, करो खुश रहो चलो मिलते हैं हम लोग कल चैलेंजिंग गेट कॉन्टेस्ट इंजीनियर टू गिव यू एन एक्सपीरियंस लाइक नन अदर वेर यू पुट योर नॉलेज टू टेस्ट एंड द बेस्ट इन यू कॉम्बैट is the most competitive gamified contest for date till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest combat live with peers to get real-time rankings and win big participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge Unacademy academy combat register now